नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शनिवार की दोपहर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी, भीतरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव सहित अन्य खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ शासकीय मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम रविवार के दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अधिकारियों की ली जाने वाली जिला स्तरीय बैठक व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश व्यवस्थाओं को देख रहे अधिकारियों को दिए। तत्पश्चात जिला पंचायत सीईओ आशीष को तिवारी के आग्रह पर उन्होंने सीएम राइजिंग विद्यालय में संचालित हो रही क्लासों में पहुंचे और छात्रों के रूबरू होते हुए पठन पाठन की भी जानकारी ली। तत्पश्चात उन्होंने कुछ बच्चों को बगैर गणवेश के पाया, जिस पर उन्होंने बच्चों से सीधी बात की तो बच्चों ने बताया कि हमारे पास एक ही गणवेश है, इसलिए वो धुलने डाल दिया है, जिस पर उन्होंने स्कूल प्राचार्य से गणवेश संबंधित आवश्यक जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्राचार्य जयमंती मिंच को निर्देशित किया कि जिन बच्चों पर गणवेश नहीं है या वो खरीद नहीं पा रही, ऐसे बच्चों की सूची बना कर दे, जिससे कि वे उनके गणवेश की कुछ व्यवस्था की जाए। इस दौरान विद्यालय में बिजली व्यवस्था को लेकर बात सामने आई तो कलेक्टर ग्वालियर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द स्कूल का कनेक्शन जुगड़वाया जाए। भीतरवार से कृष्णकांत शर्मा की खबर। ग्यारह तारीख आने का है और उसकी तैयारी यहाँ चल रही है और उसकी तैयारी की देखरेख के लिए हमारे जिले के कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने देखा और स्कूल का भी निरीक्षण कर दिया। तो व्यवस्थाएँ कैसी, व्यवस्थाओं से प्रसन्न थे कि नहीं? हाँ, व्यवस्थाओं से देख करके अभी प्रसन्न है, देखा और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया, कुछ कमी है उनको ठीक ठाक करने के लिए बोला है।